फर्श पटा लो रुपये हमने फॉर्म भरा था, ये अभी जो निकली थी स्कीम जे फ्लैशों की ग्रांटें आ रही हैं मोदी सर दे रहे हैं, लेकिन हमें कमेटी घर में हमें जाते 4-5 महीने हो गए, कभी बोलते अभी आ जाएंगे, कभी बोलते कल आ जाएंगे, लेकिन अब जब जब देने की बारी आई है तो अब वो बोल रहे हैं कि आपको 5,000 दे दिया लेकिन 12,000 हम नहीं दे पाएंगे। वो हमने वजह पूछी तो वो बोलते नहीं, हम अब हमें पीछे से अलाउंस हुआ कि हम पैसे नहीं दे पाएंगे, तो इसकी हमें वजह तो बताएं। हम अगर रिटर्न मांगने जाते हैं तो हमें वो नहीं देते, तो अब हम पैसे मांगने आते घर पे बार बार आके ये कोई हमें रीज़न ही नहीं दे रहे। अब हम इससे आगे और क्या कर सकते हैं, हम तो इनके पास ही जाएंगे ना। ये जो आपने खर्चा किया, लेंटर डाला, ये सब अपने पैसे से? सब कुछ हमने खुद ही सब आपने पहले बनाया था या बाद में जो स्कीम आई उसके बाद? अभी जब स्कीम आई तब बनाई हमने। कोई दीवार वगैरह पहले बनाई हो ऐसा? नहीं सर, हमारी आधी आधी दीवार पहले थी, क्योंकि बाहर के चनाई है, चार दीवारी है, तो वो तो हमें पहले करनी पड़ेगी, इस वजह से हमने आधी पहले बना रखी है। अब जो बाकी है वो तो हमने बाद में बनाई, जब इन्होंने बोला कि आप ऊपर लैंटर वगैरह डालो तो हम बाकी पैसे डालेंगे, तो जब अब हमने दोबारा डालने चाह रहे हैं, अब पैसे मांगने जा रहे हैं तो पैसे नहीं दे रहे, जिनके हमने उधार देने हैं वो बार बार हमें तंग कर रहे हैं, हम कहाँ से लेके देंगे। अभी म्युनिसिपल कमेटी के कुछ अधिकारी यहाँ पहुँचे थे आपके घर इंस्पेक्शन के लिए, तो उनको उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया? वो खाली इतना बोल गए कि हाँ हम आपको आपको हमने 5,000 दे दिया, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं दे रहे, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। वो खाली अपने ही खाने अपना पेट भरने के चक्कर। टेम्परेरी करके दे दिया, और गवर्नमेंट मैं कहता हूँ आंख बंद करके सोई हुई है, क्योंकि जहाँ गलत काम हो रहा है और टोन प्रशासन जहाँ पे पैसे खा रहे हैं, मिली भगत है टोन कमेटी की। और मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि ये लोग खुद ही बताएंगे जिनके सबसे बड़ा मसला है, यही लोग हैं, यही है जिनके घर में प्रश्न। सर मैं इनको जो मेरे को इन्होंने मैसेज दिया कि आपके कमेटी के तरफ से आपको जो ग्रांट आ गई है फ्लैश की, तो आप आना मौके पर, मत आपको कहाँ पर आपको जो तैयार करना रखा। मैंने कोई बताया, मैं ये बता दूँ सर, ये जगह मेरे लिए सेटिंग ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक ठेकेदार आया बिलासपुरी, पता नहीं कौन था जो, तो उन्होंने क्या किया, ये दो पाइप खड्डा खोदा, खड्डा खोदने के बाद पाइप ने दबा दिया, दबाने के बाद जो इनका मटीरियल निकला, इसी मटीरियल पर उन्होंने क्या किया, जो 4 इंच की जो चनाई थी इसकी जो ईंट की, वही खड़ा कर दिया। तो मैंने क्या किया, मेरे को दो बार पता चला कि ठेकेदार ने चनाई खड़ा कर दी, मैंने दो बार ठेकेदार को पकड़ा, मैं सर ऐसा करो कम से कम इसके 2-2 फुट इसके जो नहीं हो वो निकालो। तो बोला नहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, जब गिरेगी तो बता देंगे ये तो, लेकिन 2 दिन के बाद जो छीट है वो एकदम क्रैक होगी। उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा सीमेंट आप मिक्स करके थोड़ा रेता बजरी लगा के उनको वही शीट पर इसने मेरे को कवर करके लगा दिया। तो उसके बाद मैंने उनको ये बोला कि सर इनको प्लस्तर पुलस्तर के बारे में कोई बात, बोला अभी इसके प्लस्तर के बारे में अभी कोई हमारे पास कोई अभी इसको वो नहीं आया हुआ है, जब इसके बारे में कोई आएगा तो हम कर देंगे। क्या डिमांड क्या आपकी? सर मैं ये चाहना कहते हो ठीक है, जो 7,500 रुपये जो गवर्नमेंट ने जो हमने सेक्शन किया हुआ है, तो कम से कम उसको थोड़ा सा पैसा उसके पर लगाना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसमें कम से कम 7,000 रुपये उसके पर उन्होंने लगाए हुआ है, तो बाकी खा गए गवर्नमेंट फिर। हाँ मैं ये चाहता हूँ गवर्नमेंट के, उनका मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम इस पर इंक्वायरी किया जाए कि ताकि इस पर पैसा सेक्शन जो 17,000 वो लगा या ना लगाए। तो मैं कहता हूँ कि कम से कम उन्होंने आधा पैसा तो उन्होंने खा गया ठेकेदार हमारे, तो मैं यही आपसे विनती करता हूँ कि कम से कम इस पर थोड़ा सा ध्यान रखें।